आराध्या जूनियर के ऑडिशन के लिए अब आप अपने बच्चे को कहीं से भी रजिस्टर कर सकते हैं। ऐप स्टोर से अपने एंड्रॉइड आईफोन या आईपैड पर इंडियन आइडल ऐप डाउनलोड करें, अपने बच्चे का परफॉर्मेंस वीडियो अपलोड करें और ऑडिशन का मौका पाएं, या फिर www.myindianidol.com पर लॉग ऑन करें, अपने बच्चे के परफॉर्मेंस का वीडियो अपलोड करें और उसे दें ऑडिशन का सुनहरा मौका। इंडियन आइडल जूनियर के ऑडिशन के लिए आ रहे हैं हम आपके शहर। कोलकाता ऑडिशन 23 और 24 मार्च, दिल्ली ऑडिशन 30 और 31 मार्च, चंडीगढ़ ऑडिशन 6 अप्रैल, मुंबई ऑडिशन 13 और 14 अप्रैल। इंडियन आइडल जूनियर जल्द आ रहा है सिर्फ सोनी पर। साफ मना कर दिया है उन लोगों ने इस रिश्ते के लिए। मिसेस बुंदेला का फोन था, कह रही थी कि हमारे यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बाद उनकी बेटी अमृता को बहुत दुख पहुंचा है और इसीलिए सोहम ने यह फैसला किया है कि अगर अमृता का रिश्ता राहुल से नहीं हुआ तो प्रेरणा भी हमारे घर की बहू नहीं बनेगी। ये तो होना ही था जब सिर्फ माधव की नहीं वो तस्वीर भेजी गई जिसमें ये दोनों साथ में है, तभी मुझे इस बात का अंदेशा हो गया था कि ऐसा कुछ जरूर होगा। सो हुआ। आप ये जो भी गलतफहमी हुई है वो उनकी वजह से हुई। अगर मैं पसंद नहीं आया था तो ठीक है, पर प्रेरणा तो पसंद आई थी। फिर उससे रिश्ता क्यों तोड़ दिया? इसमें हमारी कोई गलती नहीं। गलती है हमारी ही गलती, और खास करके मेरी गलती जो मैंने इस रिश्ते को लेकर सावधानी नहीं बरती। मेरी ही गलती है जो तस्वीर खिंचवाने मैंने तुझे अकेले नहीं भेजा। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, बार बार, हर बार लोग मेरे बच्चों की खुशियों के आड़े आ जाते हैं और मैं चुपचाप देखती रह जाती हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था कि एक घर में दो दो रिश्ते मत कर, पर मेरी बात सुनी कहाँ किसी ने। मैम उनसे कहिए कि अमृता की वजह से प्रेरणा का रिश्ता नहीं टूटे, क्योंकि क्योंकि मैं अमृता से शादी करने के लिए तैयार हूं। क्या बोला रहा, पागल हो क्या? मैं अपनी बेटी का घर बसाने के लिए अपने बेटे की खुशियों की बलि नहीं चढ़ सकता। मैं ये सब कुछ जबरदस्ती या कोई दबाव में नहीं कर रहा, सच में मुझे मुझे अमृता से शादी करने में कोई परेशानी नहीं। ताकि जीवन भर तुम हमें अपने एहसानों के बोझ तले दबा सको, ये जता सको कि हम लोगों के लिए तुमने कितना बड़ा बलिदान दिया है। हाँ ये ठीक ही तो कह रही हूँ, शादी ब्याह कोई पल दो पल का खेल नहीं, जीवन भर साथ निभाने का नाम होता है। अभी तो ये जोश में बोल रहा है, कल होश में आने के बाद कुछ और कह लेगा, और अगर आज ही अपनी बात रखने के लिए उस लड़की से ब्याह कर भी ले तो इस बात का क्या भरोसा कि कर वो उस लड़की के साथ अपने इस रिश्ते को निभा भी पाएगा। कल को शादी करने के बाद अगर इसने उस लड़की को छोड़ दिया तो उस लड़की के घर वाले मेरी बेटी का जीना मुश्किल कर देंगे। मेरे बच्चे पहले ही बहुत कुछ भुगत चुके, अब मैं किसी और को और मौका नहीं दूंगा, और अब इस बारे में और कोई बात नहीं होगी। I swear, मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा। मुझे अमृता से शादी करने में कोई परेशानी नहीं, तुम बस मैम को मना लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। नहीं राहुल,
इसकी कोई जरूरत नहीं। वैसे अच्छा ही हुआ ये रिश्ता टूट गया, वरना वहां जाके अमृता को देखकर यही याद आता कि उसने मेरे भाई के साथ बुरा व्यवहार किया, और तब ना मैं बर्दाश्त कर पाती और ना अच्छे से निभा पाती इस रिश्ते को। कोई बात नहीं, इसमें तेरी कोई गलती नहीं। राहुल, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि ये रिश्ता तेरी वजह से नहीं टूटा। बट मेरी वजह से जुड़ तो सकता है। सोच समझ के बोल रहा हूँ, एक रिश्ते को जोड़ने के लिए जानबूझ के अनचाहे रिश्ते में यूं बन जाना क्या सही होगा? अरे जिस लड़की के लिए तेरे दिल में फीलिंग्स नहीं है, जिसे तू प्यार नहीं करता, जो तुझसे प्यार नहीं करती, एटसेट्रा एटसेट्रा, कम ऑन यार, ये तू नहीं एहसास बोल रहा। और वैसे भी ये सब प्यार इश्क मोहब्बत ये सारी बातें किताबों में अच्छी राहुल, समझने की कोशिश कर। शर्तों पे तय किए गए रिश्ते जो है उनकी ज्यादा उम्र नहीं होती, और वो लोग हमसे रिश्ता नहीं जोड़ रहे थे बल्कि हमें ब्लैकमेल कर रहे थे। तू ऐसी लड़की के साथ शादी करना चाहता? हाँ, क्योंकि वो लड़की माँ को बहुत पसंद है। तू दूसरों की पसंद से अपनी शर्ट तो पहनता नहीं, अब दूसरों की पसंद से तू ये शादी करने की बात सोच रहा? किसी और की नहीं माता, माँ की। और माँ जो लड़की पसंद करेगी उनकी परछाई ही होगी। मैं मानता हूँ कि माँ जिसे भी पसंद करेगी वो बहुत अच्छी होगी, लेकिन अच्छा होना और अच्छा लगना दोनों अलग अलग बातें। Oh my God. तो क्या मैं अपने फिलोसोफर फ्रेंड से ये पूछ सकता हूँ कि उसको कैसी लड़की पसंद है? ऐसी जिसे देखकर दिल की धड़कन थम जाए, जिसे देखने के बाद कुछ और देखने का मन ना करे, जिसे सोचो तो इंसान बाकी बातें ही सोचना भूल जाए, जिसे सुने तो इंसान बोलना ही भूल जाए। आज मुझे पहली बार लग रहा है कि माधव और एहसास एक ही आदमी के दो नाम, और मुझे ये भी लग रहा है कि मैं रेडियो पे तेरा लाइव शो सुन रहा हूँ। सही है ना, तू ये सोच कि एहसास का शो चल रहा है और वो तुझे सही सलाह दे रहा है। राहुल, शादी एक ऐसी खूबसूरत चीज है जिसमें कॉम्प्रोमाइज करना है। बस माधव, मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा यार। तेरी और मेरी सोच में सिर्फ इतना सा फर्क है कि तुझे ऐसी लड़की चाहिए जो तेरी लाइफ को बेटर कर सके, और मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे हालातों को, हमारे रिश्तों को और ज्यादा मजबूत कर सके, हमारे परिवार को बांध के रख सके, जो माँ और मेरे बीच की सारी दूरियों को मिटा सके। और ऐसा तभी होगा अगर वो लड़की माँ की पसंद की होगी। माँ तो उसे प्यार करेगी, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं माँ का प्यार मुझे भी मिल जाए। राहुल, माँ का प्यार तुझे वैसे ही मिल जाएगा, उसके लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। देखना, वो दिन भी बहुत जल्द आएगा जब माँ को भी वही दिखेगा जो हम सब लोगों को दिखता है। देखना, एक दिन माँ को भी बहुत प्राउड फील होगा कि तू उनका बेटा है। चल बस कर, रुलाएगा क्या अब?
हेलो। अरे भाई मैं तो अच्छा हूँ, पर लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे भाई ये तो बड़ी खुशी की बात है। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे भाई पहले आ तो जाओ तुम लोग। अच्छा ओके भाई, माँ एक अच्छी खबर है। अपना गिरधर है ना, उसके बेटे अजय की सगाई यहाँ जयपुर में तय हुई है। अजय आ रहा है। बेटा राहुल, माधव उसकी शादी के काम में हेल्प करना है। अजय शादी कर रहा है, वाओ, पर किससे? यही की लड़की है, उसके साथ कॉलेज में पढ़ती थी। वाओ, वेरी गुड। इतने सालों बाद सब लोग फिर से इकट्ठा होंगे। वैसे कब आ रहे हैं वो लोग? जल्दी आने से पहले फोन करेंगे। आरू 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 आरू, छोड़िए फोन, वन बहुत जरूरी बात करनी है। एक मिनट टिया, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ दी, शॉपिंग पे जाना? अजय आ रहा है। रियली? एंड गेस व्हाट, वो आज ही आ रहा है। वाओ, दैट्स अ सरप्राइज। एक मिनट, उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? अचानक प्लान बन गया बाबा, और वो 1 बजे तक जयपुर आ भी जाएगा। एक मिनट, आपके साथ मैं भी आ रही हूँ उनको पिकअप करने, ओके? वैसे भी मुझे बहुत सारी शिकायतें हैं। जब देखो आप ही को फोन करते, मुझे तो फोन ही नहीं करते, मुझे तो भूल गए वो। हाँ बाबा ले लेना खबर, पर हम उसे लेने कहीं नहीं जा रहे। क्या, क्यों नहीं लेने जा रहे? क्योंकि वो अपने किसी बचपन के फ्रेंड के यहाँ रुकने वाला है। क्या, बचपन के फ्रेंड के यहाँ रुकने वाला है? ये कौन सा नया ड्रामा है? हमारे होते हुए वो कहीं और क्यों रहेंगे? जीजू भी ना, मैं भी देखती हूँ कैसे मनमानी करते। मैं अभी फोन करूंगी और बोलूंगी अपने बचपन के फ्रेंड के यहाँ रहने का जो आपका ये बचपन आया ना, भूल जाइए, चुपचाप घर आ जाइए। आराध्य मान सिंह काका, हुकुम। अजय, हेलो। कैसा है मेरे भाई? मैं ठीक हूँ, तू सुना कैसा है? By the way, congratulations. खबर पहुंच गई तुम तक। हाँ पापा भी ना, सीरियसली मेरा सारा सरप्राइज खत्म कर दिया। अब ऐसा भी क्या सरप्राइज, की शादी तय होगी और तूने बताया भी? अरे पर्सनली मिलके बताना चाहता था। अरे वैसे तो आ कब रहा है? बस समझ ले पहुंच गया। सच्ची? रियली? 11 बजे की फ्लाइट है, बस 1 बजे जयपुर पहुंच जाऊंगा। अंकल ने तो कुछ बताया ही नहीं। उनको खुद भी नहीं पता था मेरा प्लान। मैंने सोचा उदयपुर में अकेले शॉपिंग करने से अच्छा वहाँ आकर तेरे साथ और राहुल के साथ शॉपिंग कर लूँ, और वहाँ थोड़ी शादी की प्रिपरेशंस भी हो जाएंगी। मेरी फियांसे भी चाहती थी कि मैं थोड़ा यू नो जल्दी आ जाऊँ। तो असली वजह ये है, शॉपिंग वॉपिंग तो बहाना है। ओफो, तेरे सारे सवालों के जवाब देता हूँ मेरे भाई, मुझे आने तो दे। हम एयरपोर्ट पे मिलते हैं, फिर घर चल के सारी बातें आराम से कर लेंगे। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, माधव कॉल वेटिंग आ रहा है, मैं तुझे एयरपोर्ट पे मिलता हूँ 1 बजे। हाँ ठीक है। हाँ जी साली साहिबा। क्या है ये जीजू, कहाँ पहुँचे आप? कौन लेने आ रहा है आपको? किसके यहाँ पे रुक रहे हो? कौन है ये आपका दोस्त? हाँ अरे अरे, इतने सारे क्वेश्चन एक साथ, मेरी हिस्ट्री टीचर ने भी कभी मुझसे नहीं पूछे, इसीलिए तो मुझे पूछना पड़ रहा है। जीजू सीधे सीधे घर आ जाओ, नहीं तो आराध्या की डांट पड़ेगी आपको। अरे बाबा मेरा दोस्त आ रहा है मुझे लेने। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कहो ना आए, आराध्या आ रही है। बताओ कहाँ पहुँचू? पूरी दुनिया को समझाना आसान है, बाय गॉड अपनी साली को कोई नहीं समझा सकता। चलिए कोई बात नहीं, आप 1 बजे मुझे एयरपोर्ट पे मिलिए। ओके, आराध्या मान सिंह का ठीक 1 बजे पहुंच जाएगी। बाय। वेलकम टू जयपुर अजय। भाई थैंक यू सो मच। तुम लोग का भरत मिलाप हो गया हो तो मुझसे भी गले मिल लो। क्या हालचाल? बहुत बढ़िया भाई। तू तो बिल्कुल ट्रिम शेम हो गया, बुलान जिम में मौन है क्या? थोड़ा बहुत। राहुल चलें? कहाँ, जिम अभी? यार मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, तेरे को जाना है तो देख ले। ये बहुत गंदा वाला था। हाँ पर हंसी आई ना। यार माधव तू एक काम करना, तू ये बैग्स उठा के गाड़ी में रख, तब तक मैं जरा अपनी होने वाली भाभी की डिटेल्स निकालता हूँ। तू नहीं सुधरेगा। अब इसे क्या बता, ये उम्र सुधरने की नहीं बिगड़ने की है। यार तू तो जिम वाली बात को लेके सीरियस ही हो गया। ये बैग मुझे दे दे और ये बैग गाड़ी में रख दे, ये ले। गॉड, राध्या तू कभी टाइम पे नहीं हो सकती, इस बार तो दी तेरा खून ही करने वाली है। अब इतने बड़े पार्किंग लॉट में जीजू को कहाँ पे ढूंढू? Thank you.
ढूंढूं? इतना बड़ा ये पार्किंग लॉट है। यार तू ना नखरे करने बंद कर, अब बचपन के दोस्त से ज्यादा इम्पोर्टेंट तेरी होने वाली साली हो गई। अरे यार वो मुझे खुद लेने के लिए आ रहे हैं, मैं कैसे मना कर दूं बता। तू सिर्फ हमारा बचपन का दोस्त ही नहीं बल्कि हमारी फैमिली फ्रेंड का बेटा भी है, तो इस वजह से हमारा हक तुझ पे ज्यादा बनता है। तो कृपया करके अपनी साली साहिबा को फोन कीजिए और उन्हें बोलिए कि आप हमारे साथ जा रहे हैं, एंड दैट्स फाइनल। फोन आ गया, बात कर। हेलो हेलो जीजू, आई एम सो सॉरी, मैं आपको पिकअप करने नहीं आ पाऊंगी। आप है ना रात को घर पे आ जाना, पापा ने आपके लिए पार्टी थ्रो की है अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। ओके वो सब ठीक है फ्रेंड्स के साथ? हाँ जीजू, आपने जयपुर में पढ़ाई की है तो आपके दोस्त तो होंगे ही होंगे, तो पापा आपसे और आपके सारे दोस्तों से मिलना चाहते हैं। ओके ओके डन। ओके तो फिर रात को घर पे मिलते हैं। ओके बाय जीजू, एंड सॉरी जीजू, बाय। या अरे क्या हुआ तुम्हें मेघना, खा के नहीं रही? नहीं मुझसे नाराज है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये मुझसे प्रॉमिस करके गई थी कि अजय को पिक करके सीधा घर लेके आने वाली है, पूछो इसे। पर आज यूजुअल दी ने जैसा सोचा था वैसा हुआ ही नहीं। दी जीजू के लिए से तैयार होके बैठी थी। आई हेट यू बट आई लव यू, लव यू, लव यू सो मच। पापा आप ही बताइए, जीजू पहली बार हमारे घर पे आ रहे थे और मैं अपने डियरेस्ट जीजू को ये पिज्जा खिला दी, तो मैंने उन्हें और उनके फ्रेंड्स को घर पे पार्टी के लिए इन्वाइट किया। थोड़ा स्पेशल फील होना चाहिए, है ना? ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। पर ये पार्टी अरेंज कौन करेगा? ऑफ कोर्स मैं। पापा मैं उनकी एकदम स्पेशल वाली साली, सारे अरेंजमेंट्स मैं ही करूंगी। थैंक यू। वाह थैंक यू। वाओ नेल पॉलिशेस। थैंक यू। गिरधर कैसा है? अरे उसे भी साथ ले आते, एक नंबर का नटखट था बचपन। बेटा हमारी और तुम्हारे पापा की बचपन की बहुत यादें। एक बार क्या हुआ? बस अब फिर से अपने बचपन की बोरिंग स्टोरी मत शुरू करना। भाई मुझे तो अजय की होने वाली दुल्हन देखी, तुम्हारे पास उसकी फोटो है क्या? हाँ जी। भाभी सर खाना तैयार। चलो सब लोग भोजन लग गया है। बस मैम दो मिनट, हम लोग अजय की होने वाली वाइफ की मुंह दिखाई की रस्म पूरी कर ले, उसके बाद खाते हैं प्लीज। मैंने कहा ना पहले सब लोग चलकर खाना खा लेते। अजय बेटा ये तस्वीर तुम इन लोगों को बाद में दिखा देना, अगर खाना ठंडा हो गया तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। चलो छोड़ो फोटो, अब बाद में देख लेंगे। सुना नहीं
घर की लेडी हिटलर ने क्या कहा, चलकर खाना खा लो, नहीं तो तुझे भी कॉलेज के स्टूडेंट्स की तरह धूप में मुर्गा बनाकर खड़ा कर देंगे। अच्छा चलो 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 आ जाओ। अरे बेटा अजय, तुमने यहाँ पर पहुँचने की खबर दे दी अपने घर पर? ओ हाँ, पापा को फोन कर दे। माधव मेरा फोन ले आना भाई। तो बैठ में लेके आ। को कहीं से भी रजिस्टर कर सकते हैं। ऐप स्टोर से अपने एंड्रॉइड, आईफोन या आईपैड पर इंडियन आइडल ऐप डाउनलोड करें, अपने बच्चे का परफॉर्मेंस वीडियो अपलोड करें और ऑडिशन का मौका पाएं, या फिर www.myindianidol.com पर लॉग ऑन करें, अपने बच्चे के परफॉर्मेंस का वीडियो अपलोड करें और उसे दें ऑडिशन का सुनहरा मौका। इंडियन आइडल जूनियर के ऑडिशन के लिए आ रहे हैं हम आपके शहर। कोलकाता ऑडिशन 23 और 24 मार्च, दिल्ली ऑडिशन 30 और 31 मार्च, चंडीगढ़ ऑडिशन 6 अप्रैल, मुंबई ऑडिशन 13 और 14 अप्रैल। इंडियन आइडल जूनियर जल्द आ रहा है सिर्फ सोनी पर।